तो पहले आप यहाँ की ये गुफा देख लीजिए और इस हिस्से को कहते हैं पाताल गंगा। इस वाले हिस्से से जो पानी है वो बूंद बूंद करके इस पहाड़ के इस नीचे वाले हिस्से में गिरता है और गिरने के बाद में इस प्रकार के देखो कितने सारे जो शिवलिंग है यहाँ पर तैयार हो गए हैं। और ये जो गुफा है ये प्राकृतिक तौर पर बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको लेके जा रहा हूं एक ऐसे स्थान पर जहां पर तकरीबन 500 मीटर लंबी एक सुरंग बनी हुई है और सुरंग का जो रहस्य है वो कई हजार वर्ष पुराना बताया जाता है। और दोस्तों उस स्थान पे पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले इस प्रकार के दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ेगा और ये जो पहाड़ के रास्ते हैं तकरीबन ये 19 किलोमीटर तक की दूरी में फैले हुए जिसको क्रॉस करने में हमें 1 से 2 घंटे लगने वाले क्योंकि पूरा जो रोड है वो ऑफ पड़ा हुआ है और यहाँ पर जाने का रास्ता नहीं है। यहां पर पास का ही एक नजारा देख लीजिए जहां पर दुर्गावती नदी बहती है और अभी मैं आपको जिस स्थान का नजारा दिखा रहा हूं यह पड़ता है आपका बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट के सासाराम में और इन पहाड़ियों को कहा जाता है कैमूर की पहाड़ियां। और दोस्तों अब हम इसी रास्ते से आगे की तरफ जाएंगे और उस पूरे ऑफ रोडिंग वाले रास्ते को भी दिखाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहस्यमयी है और वहां जाकर उस पूरी सुरंग की भी वीडियोग्राफी और उसके इतिहास को आपके सामने पेश करेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर आकर हमारा जो मन है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया है और इस नज़ारे के पास में ही जो तंबू वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं ना दोस्तों, ये कोई सीजन यहाँ रहता होगा जिस सीज़न में काफ़ी हज़ारों लाखों के तादाद में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं और उन्हीं के लिए रुकने का स्थान या टेंट वगैरह प्रसाद का स्थान ये बनाया गया होगा। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। वैसे तो यहाँ पर आने का जो टाइमिंग है वो शाम को 5 बजे तक है और हम अभी बिल्कुल उसी टाइम के आसपास ही पहुँचे यहाँ पर क्योंकि हम पहली बार आए तो हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि कितनी दूर चलना है। हम चलते चले गए, अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और उस ऐतिहासिक दृष्टि से उन चीज़ों को देखते हैं जिसके लिए ये पूरा धाम जाना जाता है। आइए भाई, जय हो बाबा की, हर हर महादेव। दोस्तों आज हम यहाँ पर इस गुफा के अंदर जाएंगे और साथ में महाराज जी हमारे जा रहे हैं। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी थोड़ा सा आप हमें इस स्थान का इतिहास बताइए और ये भी बताइए कि यहाँ पे लोग क्यों आते हैं और आप हमें महादेव के दर्शन भी करवाइएगा, अंदर तक ले चलिए। जी अरे, और तो अरे भस्मासुरा शंकर जी की कहानी मैंने से शुरुआत से मैंने चला है और इसके बाद अपना जो कोई भक्त आया अपना मैंने उनका अथु दिखाए सपन अपन वो दिखाए तो वो भक्त आकर या पूजा पाठ अपना करने लगा था उसी में धीरे धीरे आदमी बढ़ने लगा। आई प्रकृति देना कोनो बनाया हुआ नहीं है, आप चलिएगा तो देखिएगा ना। चलिए आ जाइए। हमने साथ में लाइटिंग ले ली है ताकि अंदर की तरफ अगर अंधेरा होगा तो हम लाइटिंग ऑन कर देंगे। और एक टॉर्च मुझे महाराज जी ने दे दी है तो इस महिमा को समझते हैं हम। देखिए बजरंग बली है और गद्दी घर बोलते हैं गुरु के जैसे वाला गद्दी घर है। अच्छा, नागदेव है नागा बाबा महान जी रहन पहले ऐसा समाधि वहाँ के लोग के है। अच्छा अच्छा, पहले के जो संत वगैरह उनकी समाधि वगैरह यहाँ पे। हाँ, वो संत वो है ठाकुर बारी है शंकर जी अंदर के भगवान अंदर भी बने हुए हैं। अरे वाह दोस्तों, पहले आप यहाँ की ये गुफा देख लीजिए, ये गुफा देख रहे हैं आप, ये भस्मासुर यही भस्म हुए थे। अच्छा यही भस्म हुए थे। अच्छा भस्मासुर का अंत यहीं पे किया गया था। भगवान यही से उनका भस्म किया। अच्छा ये विष्णु भगवान के लिए बनाई गई प्रतिमा जगह है विष्णु भगवान की, इसे भस्म उनको भगवान जी। अच्छा ये वाला हिस्सा देखो दोस्तों, इस स्थान को भगवान विष्णु के साथ जोड़ा जाता है। हां यहीं से। बाबा जी ये धुआं सा कहां से आ रहा है, ये धुआं सा कहां से आ रहा है? उसका इसमें बाइक है। अच्छा अब दोस्तों हम धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे, देखिए यहाँ पे पूरी जो ये सुरंग सी बनी है ना दोस्तों, ये इसमें एक टांकी मारा हुआ है। अच्छा अच्छा, ये पानी इसमें टपकता रहता है इसमें से। हाँ, पानी टपकता रहता है। ये देखिए ऊपर की तरफ से पानी टपकता रहता है यहाँ पे। हाँ, और ये भगवान का चमत्कार है। हाँ, लाखों की तादाद में लोग आते हैं यहाँ पे।
डंकी नहीं मारा है। अच्छा, ये जो पूरी सुरंग बनी हुई है ये प्राकृतिक तौर पर ऐसी बनी है, इसको कुछ भी किसी भी आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बनाया गया है। देखिए, ये पहले यही था और जो है माटी था इसमें, इसको बराबर करके लोग नीचे ही बैठा दिया है, ऊपर कोई छुआ नहीं है। अच्छा, वो मूर्ति जो निकाला वो एक आदमी इंजीनियर साहब, मूर्ति निकालने के बाद वो। और ये जो गुफा है ये प्राकृतिक तौर पर बनी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो पत्थर के शेल है ये किस हिसाब से कटे हुए हैं, इनके अंदर से पानी टपकता रहता है, ये पूरा देखो गीला है पूरा पत्थर ये, और इसको किसी भी तरीके से आर्टिफिशियल तौर से नहीं काटा गया है। तकरीबन 100-150 फीट हम आगे आ चुके हैं यहाँ पर, और हमें जो ये वाली सुरंग है इसका रास्ता और भी आगे तक दिखाई दे रहा है। आप पूरे इस पहाड़ के हिस्से को देख लीजिए, बहुत चमत्कारी। जल चुकता है वहाँ मूर्ति तैयार हो जाती है। अच्छा, आई मूर्ति देखिए, आई सब भाई, आई देखिए आई मूर्ति जो तैयार। ठीक। दोस्तों ये वाला हिस्सा देखिए, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर ऊपर से जल गिरता रहता है इन जटाओं से, इनके इस पॉइंट से। देखो यहाँ पर ये किस प्रकार के, देखो ये मूर्ति जो पत्थर है ये ऐसे बन जाता है पानी गिर गिर के। ये देखिए, ये जो शिवलिंग है यहाँ पर तैयार हो रहा है। देखो आपको मैं दिखाता हूँ पहले ऊपर वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से से जो पानी है वो बूंद बूंद करके इस पहाड़ के इस नीचे वाले हिस्से में गिरता है, और गिरने के बाद में इस प्रकार के देखो कितने सारे जो शिवलिंग है यहाँ पर तैयार हो गए हैं। और ये जो महिमा है ना, ये हमारे भारत के रोहतास डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब महाराज से और भी कुछ बातचीत करते हैं। तो महाराज जी ये बताइए कि ये कुल जो ये अंदर की सुरंग है ये कितनी लंबी है? ये बहुत काल लंबी है, अब उतना तक नहीं चलेंगे। अच्छा, जाना होगा इस समय। अच्छा, मतलब ये पूरी आगे तक और भी जाती है ये? आई इंद्र भगवान सूर लगाया है। अच्छा, हाथी है, देखिए नंदी महाराज यहाँ है बाबा के। दोस्तों यहाँ पर नंदी महाराज यहाँ बारी है, देखिए नंदी महाराज। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नंदी देव है ये? हाँ, उनका कोई असवारी है, ये सब तीन देवते हैं। अच्छा अच्छा, दोस्तों हम नमन करते हैं अपने भगवानों को। बताया गया है कि ये नंदी भगवान है, नंदी बैल भगवान शिव की, और ये उन्हीं के दूसरे कोई अवतार बताए गए हैं, और यहाँ पर तीनों भगवानों का जो मिश्रण है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी, उनके अवतार यहाँ पे प्रकट हुए हैं। और देखो दोस्तों कितना बड़ा ये शिवलिंग, इससे जो बूंद बूंद से को पानी टपक रहा है। हम थोड़ा सा पानी को लेकर अपने सर पे भी लगा लेते हैं, क्योंकि ये जो बहुत पवित्र पानी है ये वाला, और इस पानी के दोस्तों ये जो आह्वान है यहाँ का बहुत ही शानदार है। और आगे की तरफ और चलते हैं और इस चमत्कार को और देखते हैं। देखिए गंगा माई इधर है, इधर गंगा माई है। हाँ, पताल गंगा है, इसे चलिए। अच्छा, यहाँ से पताल गंगा ये? हाँ, चलिए चले आगे की तरफ। दोस्तों यहाँ पे बताया जाता है कि पताल गंगा के दर्शन भी आपको यहाँ से होंगे, और उसके लिए हमें थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। और अब हम चल रहे धीरे धीरे आगे की तरफ। ये देखिए, अरे वाह, थोड़ा डरावना सा भी लग रहा है लेकिन भगवान के दर्शन है और अच्छे से दर्शन भी कर पा रहे हैं हम। और आप ऊपर के बस इस पहाड़ को देखते रहिए कि कितने बारीकी के साथ में पत्थर ये कटे हुए हैं अपने आप। ये देखो स्लेट है दोस्तों, ये यहाँ पे हम देखते हैं तो जो स्लेट पत्थर होते हैं जिससे हम घर पे इस्तेमाल करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं चिकनी मिट्टी बोलते हैं, या जिसको अपन अपने मुंह पे लगाते हैं ना, ये देखो ये वही वाली मिट्टी है दोस्तों। ये ये वही है दोस्तों। और पूरी की पूरी देखो ये यहाँ से निकालते, देखो हम ये दिखाते हैं आपको। और ये देखो मिट्टी, ये देखिए आप, ये प्रकृति की जो चमत्कार है ना। पताल गंगा है ये महाराज जी, क्या ये? ये पताल गंगा है, पताल गंगा ये। ये मतलब पानी कहाँ जाता है? ये पानी अंदर रहता है। अच्छा, इसे पानी अभी यहाँ तक ले है ना। हाँ, देखिए वो सुराग के नीचे देखिए मूर्ति के ऊपर बारी है, उस पर ये जो सफेद सफेद है महाराज जी है, मूर्ति है, देखिए उनका भगवान के लीला वहाँ है, देखिए वो लीला से ऐसे हो जाइए अभी आगे। अच्छा, दिखाइए रेखा है ना, और उनका दिखाई से नीचे मूर्ति के लोग जल में देखिए, उसको नीचे आप जल में ताकिए। अच्छा,
वहाँ पे क्या दिखेगा हमें? हाँ, देखिए मैंने कि वो मूर्ति के तरह। अच्छा, मूर्ति लग रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, दिखाई दिखाइए दोस्तों। ये सामने की तरफ देखो आप, ये सफेद सफेद देख पा रहे होंगे, ये इसके साथ में देखो ये मूर्ति दिखाई। हाँ हाँ बिल्कुल, मुंह दिखाई दे रहा है। थोड़ा जूम करिए अगर पॉसिबल है, जहाँ पे लाइटिंग जा रही है अभी, थोड़ा जूम करके दिखाइए। यहाँ पर ना ये भगवान का फेस जो है वो दिखाई दे रहा है, जो दर्शन है साक्षात हो रहे हैं। और इस हिस्से को कहते हैं पाताल गंगा। और महाराज जी ने हमें बताया कि जो ये वाला पानी है पूरा, ये कहाँ जाता है इसका आइडिया किसी को भी नहीं है। और ये चमत्कार है अपने आप में, और ये चमत्कार साक्षात तौर पर हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये मुल्तानी मिट्टी के जो ये पहाड़ है, और इसी के अंदर काफी हैवी जो बेसाल्ट के पर्वत के पहाड़ के पत्थर है वो भी देखने को मिल रहे हैं। और कई जगह हम अलग अलग चमत्कार देख रहे हैं। महाराज जी समझ रहे हैं, महाराज जी यहाँ की महिमा बताइए कुछ। अच्छा वहाँ बताएंगे, उस लौटेंगे, वो रास्ता से लौटेंगे। अच्छा लौटेंगे तब बताएंगे उसके बारे में। ठीक है ठीक है।